डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल बायोलॉजी के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक स्टडी कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस होता है उसे सेल का मास्टरमाइंड और डायरेक्टर कहते हैं, बिकॉज सेल में होने वाली जितनी भी बोलो क्रियाएं हैं उनका कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं न्यूक्लियस सेल बायोलॉजी के अंदर। न्यूक्लियस केंद्रक, सबसे पहली बात, ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड सेल कोशिका में की। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, बट आपसे मैं कह रहा हूं जो न्यूक्लियस है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। उसके बाद केंद्रक, मैंने कहा कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका घटक, ठीक है, यानी लार्जेस्ट सेल कंपोनेंट, ठीक है, होता है। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए बात कि केंद्रक सामान्यतः सेल में एक ही होता है, जिन्हें मोनो कैरियोटिक सेल, एक केंद्र के कोशिका, एक केंद्र की कोशिका कहते हैं। परल तो आपको पता है पेरामीशियम बोलो में क्या होते है? बोलो डाई कैरियोटिक सेल, अर्थात दो केंद्रक उपस्थित, एक मेगा न्यूक्लियस गुरु केंद्रक और एक माइक्रो न्यूक्लियस लघु केंद्रक, ठीक है, लघु केंद्रक। बात समझ में? नंबर फाइव, आपसे मैं कह रहा हूं केंद्रक को कोशिका का मास्टरमाइंड एंड डायरेक्टर, ठीक है, निर्देशक माना जाता है। मैंने कहा हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने एसिटाबुलेरिया क्या होती है, ग्रीन एल्गी, ठीक है, पर एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए तथा सिद्ध किया, प्रूव किया कि एक सेल की सभी क्रियाओं का कंट्रोल न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। उसके बाद सेवन पॉइंट, मैंने कहा नया केंद्रक पूर्ववर्ती केंद्रक के विभाजन से बनता है,
ये स्ट्रॉस बर्गर ने बात बताई, नया केंद्रक, न्यू केंद्रक, न्यू न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय ऑल न्यूक्लियस। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोट में आदिम केंद्रक यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड या 0-4 कहते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका एंड हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट का मतलब ही यही होता है, जिसमें आदिम न्यूक्लियस प्रिमिटिव केंद्रक पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद आप सभी को दोस्तों, केंद्रक दोहरी झिल्ली वाला बोला, आप सब कोशिका घटक होता है, ये तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद केंद्रक की संरचना में चार भाग होते हैं। नंबर 1, एक होता है केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक होता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। एक होता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और दोस्तों, एक होता है क्रोमेटिड। ठीक है, चार आपसे मैक्रो भाग होते हैं। स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो आपसे मैं कह रहा हूं, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, इसमें ये यहां से यहां तक 1500 एंगस्ट्रॉन, न्यूक्लियर पोर 800 एंगस्ट्रॉन, ये 100 से 200 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहली चीज, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक तो आपको पता होनी चाहिए छिद्रित होती है, छिद्रित मतलब पोरस होती है। ठीक है, मतलब आप सबको ये क्या हुआ, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर। और दूसरा मैंने कहा कि इसमें न्यूक्लियर पोर में, ठीक है, न्यूक्लियो प्लाज्मिन एंजाइम उपस्थित, जो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यानी कोई भी चीज यहां से अंदर नहीं जा सकती, अंदर से बाहर नहीं आ सकती। क्लियर? उसके बाद ये आपको क्या नजर आ रहा है, न्यूक्लियो प्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या खासियत होती है, एक तो झिल्ली रहित होती है, दूसरा इसका निर्माण
सेट क्रोमोसोम मतलब आप सभी को 13, 14, 15, 21 एंड 22 से, क्लियर? इसका कार्य क्या होता है? बोलो आप सभी को, ये आर आर एन ए एंड राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम का निर्माण करती है, ठीक है, करती है, बात समझ में आए? बोलो। और ये डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये जो आपको नजर आ रहे फोर्थ भाग, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमेटिड, बात समझ में है? ओके। ये डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और सेल डिवीजन के समय प्रोफेज में क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदलते हैं, और टीलोफेज में क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन में बदलते हैं। तो आप सभी को इस तरह से दोस्तों, मैंने आपको पूरा न्यूक्लियस के बारे में बताया, और यहाँ पर अगर अपन बात करें केंद्रक का कार्य, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका का नियंत्रण, ओके। और जब केंद्रक नियंत्रण नहीं कर पाता है, तभी सेल डिवाइड हो जाती है। इसीलिए हमारी लाइफ में जीवन भर शरीर की सभी कोशिकाओं में माइटोसिस विभाजन होते रहते हैं, क्योंकि जब जब केंद्रक बोलो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और कब नहीं कर पाएगा, जब सेल की साइज बड़ी हो जाएगी, क्लियर? स्पेशल नोट, जब सेल की साइज बड़ी हो जाती है और न्यूक्लियस सेल की सभी क्रियाओं पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो सेल डिवाइड आप सब डिवाइड हो जाती है। बात समझ में आए? बोलो। ओके। तो दोस्तों, इस तरह से अपने पूरी सेल बायोलॉजी की स्टडी की। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके फंडे क्लियर हुए होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहे और मस्त रहे। बेस्ट ऑफ लक।